जिला अस्पताल में एम्बुलेंस चालक और इमरजेंसी वार्ड में स्टाफ के साथ हुई मारपीट और अभद्रता को लेकर अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं मारपीट के अज्ञात आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर अधिकारी कर्मचारियों ने जिला अस्पताल परिसर में धरने पर बैठकर कार्य का बहिष्कार किया, जिससे दोपहर तक मरीज परेशान होते रहे। वहीं विधायक सुरेश चौहान ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपना धरना समाप्त किया। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण महासंघ जनपद शाखा से जुड़े पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल के CMS को ज्ञापन देते हुए आपातकालीन सेवा में तैनात स्टाफ और वाहन चालक के साथ मारपीट और अभद्रता को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग रखी। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। कोई एक्सीडेंट रुना में हो गया था और जो एक्सीडेंट कोई प्रधान था उसका था, तो यहाँ पर लोग लेके आएंगे। हो सकता है जैसे जब एक्सीडेंट होता है पता चलता है तो कई लोग शराब पी के साथ आ जाते हैं और किसी ने जो है इनके साथ बदतमीजी कर दी, किसी ड्राइवर की झापड़ मार दी, डॉक्टर से बदतमीजी की, तो वो उस चक्कर में बैठे कि साहब यहाँ पे भी पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं पब्लिक से भी अनुरोध करूँगा कि हमको शांतिपूर्वक से जो है बात करनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर कोई हमारा कर्मचारी हॉस्पिटल का अगर गलत है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो बचने की उसको बुलाया जाएगा। जहाँ तक इन्होंने पुलिस की व्यवस्था की, पुलिस की व्यवस्था इनके लिए यहाँ पे चौकी खोलने की बातें कर रहे हैं कि भाई आए दिन झगड़े होते हैं, तो पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पे राज्य में रहेगी। मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि जो ये स्थिति आई है इसको जो है समाप्त कर दिया गया। आपकी तरफ से ठीक है पुखरा जी, समाप्त हो गया, चौकी खुलनी है और जो उस लड़के को छोड़ा के लिए मारने वाले। सर सबसे पहले मैं स्वदेश न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पे आए। और मैं अब बताना चाहूँगा कि मैं गिरीश मियार महासचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण, हमने हमारे एक कर्मचारी के साथ गत 5 नवंबर को रात्रि ड्यूटी में एक कर्मचारी के साथ मारपीट हुई थी, जिसकी PI हमने उसी समय प्रशासन को दे दी थी। उसके बाद कल हमारी मीटिंग में हमने तय किया कि अस्पताल में एक चौकी का निर्माण हो और जो मारपीट हुई है, जिसने मारपीट करी है उसमें कोई कार्यवाही हो।